Assalamu alaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Allah ta'ala se umeed hai ki aap sab bakhair o afiyat honge aur zindagi ka ek naya din milne par Allah ta'ala ke shukar guzar honge. Aaj Sunday hai aur hasbe mamool har Sunday ko hamare ghar chicken pulao ya koi bhi pulao banta hai aur idhar maine masala bana ke chicken bone ke pani dal di hai taaki thodi si iski yakhni ready ho jaye. आज शाम को हल्का सा प्रोग्राम है स्कूल में. सारे मेरे भाभियाँ भाई और भांजे भतीजे इकट्ठे हो रहे हैं तो वन डिश पार्टी सिस्टम है छोटा सा. तो मौसम बहुत अच्छा होता है तो स्कूल में खासकर बहुत मज़ा होता है. शाम बहुत अच्छी होती है तो सबका इरादा बना कि वन डिश पार्टी करते हैं तो मेरा जिम्मा लगा दही भले. तो उस सिलसिले में मैं इमली की चटनी बना रही हूँ. मैंने कहा इसकी मैं रेसिपी आपसे सेंड करूँ. इमली मैंने रात को भिगो के रख दी थी, उसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल ली थी. अब इसको मैं हैंड ग्राइंडर से मैश कर रही हूँ. मैं हर ईद पे इस तरह के दही भले बनाती हूँ तो मेरी जो भांजियाँ भतीजियाँ हैं उन्हें मेरे हाथ के बहुत पसंद है. तो उन्होंने कहा कि आप ने इस दफ़ा बिल्कुल ईद के जो स्टाइल होता है उस तरह ही बनाने. सिंपली मैं घर में इस तरह नहीं बनाती हूँ, इसके लिए बहुत एहतमाम करना पड़ता है. जितना मर्जी करें गूदा थोड़ा सा फिर भी इस तरह का रह जाता है. ये तकरीबन आधा पाव इमली थी. ख्याल में अब इसमें से कुछ भी निकालने के काबिल नहीं रहा क्योंकि ये सारे अब छिलके हैं और ये ना हल होंगे और ना ये टूटेंगे. इसके अंदर वो चीजें जाएंगी. ये चाट मसाला है, हल्का सा निम्मा के गर्म मसाला है. चीनी भी डाल सकते हैं, मैं गुड़ डाल रही हूँ और साथ जो है ये रेड कलर जो फूड कलर होता है वो जाएगा इसके अंदर. ये तो अभी बहुत जो है ना ये पतली है ना तो इसकी थिकनेस के लिए मैंने ये रखा है कॉर्नफ्लोर. तो जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो ये कॉर्नफ्लोर में तकरीबन ये 2.5 से 3 चम्मच है तो इसको पानी में मिक्स करके तो मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी बन जाए. चने मैंने रात को भिगो के रखे थे, सुबह बॉयल कर ली हैं. आलू बॉयल हो चुके हैं लेकिन इनको बारीक जो है क्यूब्स में काटना है, ठंडे होने पर मैं काट लूंगी. गला मेरा ख़राब था तो इसके लिए मैंने ये कैमा बनाया है पुदीने का और अदरक का. और वैसे भी जिस दिन चावल होते हैं उस दिन कैमा साथ में लाजमी बनाती हूँ. इस तरह अदरक के पीस काट के और खुश्क पुदीना डाल के. तो मुझे आदत है मैं एयर टाइम 2-3 काम किचन में आती हूँ तो इकट्ठे कर लेती हूँ. चावल तकरीबन 35 मिनट्स के लिए मैंने भिगो के रखे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भिगोएं तो तब ही अच्छे बनते हैं. अगर थोड़ी सी कमी आ जाए तो इनका कच्चा पान दूर नहीं होता है. अजानें शुरू हो गई हैं तो मेरा इरादा है कि मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा के नमाज पढ़ूँ क्योंकि नमाज के फ़ौरन बाद खाना हमारे घर होता है. एक भाभी और मेरे जिम्मा थे दही भले और दो बहनों के जिम्मा मकरोनी थी क्योंकि चाय के साथ ये चीज़ें चलती हैं. मेरा किचन नस्बतन छोटा है लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ ना मैंने कभी फरमाइश की है कि किचन बड़ा होना चाहिए या नहीं. अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है, सहूलतें होनी चाहिए, छोटे बड़े का कोई इशू नहीं होता. इमली जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उसको इतना पका लिया है और खट्टा पान अभी भी नहीं गया. अभी थोड़ी सी मैं शुगर ऐड कर देती हूँ क्योंकि गुड़ इतना मीठा नहीं होता. इमली की जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी, जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए थी तकरीबन उतनी रेडी होगी. ये थिक तो ये इतनी जल्दी नहीं होगी. इसकी थिकनेस के लिए मैंने जैसे बताया था कि मैं ये कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी. कॉर्नफ्लोर डालें तो कोशिश करें इमली का पानी सही उबल रहा हो और तेज़ तेज़ चम्मच लाएँ ताकि वो गुठलियाँ छोटी छोटी उसकी ना बने. पानी बॉयल हो रहा है, अब इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी इसको इस तरह हिलाएंगे. थोड़ा सा तीखापन पैदा करने के लिए आप रेड चिल्ली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और ख़ासकर अदरक जो मिर्ची होती है मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने दूसरी थोड़ी सी बिल्कुल ऐड की है. बिल्कुल रेडी हो गई है, इसके अंदर भाप निकलेगी तो फिर मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी. फिर इसको हम ढक देते हैं. मास के बाद का ये सीन है और चावल हो गए हैं रेडी. अल्लाह का शुक्र है चावल अच्छे बन गए हैं. ये जैसे कि देख रहे हैं शुरू करें और ये साथ थोड़ा सा सैलड था, मूलियाँ चल गई हैं तो ये साथ थोड़ी काट ली थी. सही है, बहुत अच्छे बने. अच्छा खाने से मुझे एक टिप याद आया, टिप तो नहीं एक दुआ है. ऐसे भी आते खाना खा पकाते हुए जिक्र करना चाहिए. द
तो एक दुआ है लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, ये जब आप जो है ना खाना बनाने लगे तो इसको पढ़ लिया करें, ऐसे खाने में बहुत टेस्ट आ जाता है। तकरीबन तैयार हो चुके हैं तो अब इनको निकालते हैं और बर्फ वाले पानी में थोड़ी देर रखते हैं। वैसे भी जो इमली वाली चटनी थी वो मैंने फ्रीज़र में रखी थी, वो अभी सही ठंडी हुई हुई है। आप दही भले मिक्स करने का जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया, तो असल में जो दही भल्लों का जो मेरा सजाने का है ना वो थोड़ा सा मेरे लिहाज से थोड़ा सा मुनफरद है। अब आपको पता नहीं मुनफरद लगता है या नहीं, तो मैं इस तरह डिशेज़ में सजा लेती होती हूँ। प्याज इसमें नहीं डलते हैं, आलू बॉयल और बॉयल चना और टमाटर और हरी मिर्च, और मैंने साथ डाला है इसके अंदर चाट मसाला। हेलो, खुश हो जाओ तुम लोग खुश हो जाओ। सबसे ज्यादा क्या चीज खाओगे जी? आने पे नो वीडियो तैयार करने पे। ये कौन सी वाली है? चिकन वाली है? ये चिकन हाँ, वाली हाँ, है और ये भी चिकन हाँ, वाली है। शुक्र है चिकन वाली है। ये तुम लोगों को तो कीमे वाली पसंद है, लिहाजा तुम लोग ना खाना। नहीं खैर मैं खा लूं कोई। रीम ये कहाँ से लिए टॉप्स? छोटे छोटे इतने प्यारे। हाँ क्यों गिरेगी और ऊंचे क्यों लोगे तुम लोग? इतना बड़ा तो नहीं है ना झूला, मच्छर काट रहा है। तो वो मैं लोशन लेकर आई हूँ मच्छरों का, वो उधर उधर देखो पर्स में होगा मेरे। अच्छा इससे जगह दो ना भाई। पहली बात तो ये ना ये बड़े झूले नहीं लेने ठीक है ना, ये जितनी जिसकी ऊंचाई है ना उतने झूले आप लोग लो। चलो रीम बैठो जाओ। अब्दुल आदि बेटा है रे ना, चल तुम तो रोज स्कूल में भी आते हो, ये तो इधर पढ़ती भी नहीं है, बैठे दोनों। और ये वैसे भी इस तरह होता है, और प्लीज जो है ना ये प्ले ग्रुप के बच्चों का तुम लोग इतने बेबी है अभी, और वो भी सारे इकट्ठे बैठे हो, हल्का हल्का लो। अच्छा